हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए वैष्णो टेक यूट्यूब चैनल को और उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं वैष्णो टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जियो की जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस काफी दिनों से टेस्टिंग में चल रही थी और दोस्तों जहां पर जियो की तरफ से कुछ चुनिंदा यूजर को फ्री में प्रीव्यू प्लान के नाम पर फ्री में डाटा इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा था। और दोस्तों जहां पर पिछले ही महीने जहां पर जियो के जियो फाइबर यूजर को फ्री में 1.1 TB डाटा इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था, जिसमें यूजर महीने में 25 बार 40 GB डाटा का टॉप अप कर सकता है, जिसमें आप जहां पर 1.1 TB डाटा का बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल में ले सकते हैं। वही अगर हम दोस्तों जहां पर टेस्टिंग की बात करते हैं, कौन कौन से शहरों में जियो फाइबर की जो सर्विस की जो टेस्टिंग चल रही थी, जहां पर जो नाम निकल के आते हैं वो है नई दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, जामनगर और मुंबई। तो दोस्तों इन शहरों में जहां पर जियो की जो जियो फाइबर सर्विस है वो टेस्टिंग में चल रही थी। दोस्तों इन शहरों के जहां पर यूजर को 4,500 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर 100 Mbps की स्पीड के साथ अनलिमिटेड डाटा का बिल्कुल फ्री में मजा ले सकते हैं। दोस्तों जहां पर हमें छोटा सा अपडेट मिला है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब जल्दी जहां पर जियो अपनी जियो फाइबर सर्विस को पूरे देश भर में स्टार्ट करने वाला है, जिसमें अगर हम जहां पर प्लान की प्राइस की बात करते हैं वो भी जहां पर बता दी गई है। तो दोस्तों जहां पर बताया जा रहा है कि अब जहां पर जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस को आप 1,000 रुपए से कम में भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो आपको जहां पर जियो की तरफ से 1,000 रुपए से कम प्राइस में दिया जाएगा इंटरनेट डाटा इस्तेमाल करने के लिए। साथ में आपको जहां पर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल फोन के जरिए आपको जहां पर अनलिमिटेड वॉइस कॉल और साथ में आपको जहां पर वीडियो कॉल की भी सुविधा दी जाएगी। और साथ में दोस्तों आपको जहां पर जियो टीवी एप्लीकेशन का भी एक्सेस दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सब बेनिफिट आपको जहां पर जियो की तरफ से दिए जा रहे हैं अगर आप जहां पर जियो फाइबर सर्विस का इस्तेमाल में लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको जहां पर स्टार्टिंग में 4,500 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, तभी आप जहां पर जियो फाइबर सर्विस का इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो प्लान की प्राइस है वो 1,000 रुपए से भी कम है। वही अगर हम दोस्तों जहां पर एयरटेल की बात करते हैं, तो 300 Mbps स्पीड वाले ब्रॉडबैंड सेवा की जो प्राइस वो है 2,199 रुपीज। वही अगर हम जहाँ पर 100 Mbps डाटा स्पीड वाले ब्रॉडबैंड सर्विस की बात करते हैं, तो उसकी जो प्राइस है वो है 1,099 रुपीज। तो दोस्तों अब आपको जहाँ पर जियो दे रहा है 1,000 रुपए से भी कम प्राइस में 100 Mbps की स्पीड के साथ इंटरनेट डाटा इस्तेमाल करने के लिए। तो दोस्तों ये सब अपडेट निकल गया है जियो की तरफ से। दोस्तों अगर जहां पर जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस को इस्तेमाल में लेना चाहते हो तो जल्दी आपके शहर में भी इसकी सर्विस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस यही था। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।